A very good afternoon to class 8 of Jawaharlal Vidyalaya. Today we will start solving question number 13 onwards for the chapter linear equations in one variable. Question number 13, let us see. It is given a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to this product, you get minus 1 upon 12. What is the number? एक रेशनल नंबर को आप 5 by 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 2 upon 3 ऐड करिए तो आपको minus 1 upon 12 मिलता है। एक नंबर मैंने x मान लिया, x में मल्टीप्लाई किया 5 by 2 का तो आया 5 by 2x, उसमें ऐड किया 2 by 3 तो आपको मिलता है minus 1 by 12। 2 by 3 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 2 by 3 हो जाएगा, तो 5 upon 2x is equal to आप LCM लेंगे दो फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन में, यहाँ 12 इज विद द एलसीएम ऑफ 12 एंड 3। तो न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो, तो यहाँ 12 में 12 तो 1 ही मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 3 4 जा 12, तो न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई हुआ ताकि डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो जाए, तो माइनस 7 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 4 अपॉन 12 आया। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना आपने, माइनस 15 अपॉन 12 आया। अब आप x इज इक्वल टू कहेंगे, हरीश कोई क्लास में है क्या, आपके क्लास में एक बालक है हरीश, वो पूछ रहे थे कैसे होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, चिन्मय ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अभिजय ने भी। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते, जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 5.2 का 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल करके माइनस 3.6 आया, तो माइनस 1.2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास तीन तरह के नोट है, तीन तरह के नोट के डिनोमिनेशन है, 100 रुपीज का, 50 रुपीज का, 10 रुपीज का, और 100 रुपीज 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोटों के बीच में उसके बाद रेशियो है 2:3:5 और टोटल जो कैश था है उसके पास रुपीज 4 लाख है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। ठीक है, अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, पहले तो आप कहेंगे कि लेट रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 2x नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू, आपने कह दिया रेशियो दिया हो ना तो 3x के दिया आपने, नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट आप इसको करेंगे 5x। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कैश है आपके पास रुपीज 4 लाख। ठीक है ना, इतना रुपए है, रुपीज 4 लाख है। ठीक है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, अब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और मैंने कहा कि आपके पास 10 और 20 के नोट हैं, 20 के आपके पास 3 नोट हैं, तो 10 के कितने नोट होंगे आपके पास, 20 के 3 नोट, मतलब एक नोट की कीमत 20 रुपए थे, 3 नोट की कीमत 20 गुना 3 है ना, टोटल कैश ऑफ रुपीज 20 है ना, तो 60, तो इसका मतलब बचे 4,000 में से तो 10-10 के 4 नोट है आपके पास। इसी तरह से जब आप टोटल कैश 4 लाख कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स है ना, नंबर ऑफ नोट्स इनटू डिनोमिनेशन ऑफ दैट नोट, 100 रुपए के 2x नोट की कीमत क्या होगी, 2x नोटों की संख्या में एक नोट की कीमत का गुणा कर दीजिए, 2x × 100 है ना। इसी तरह से 50 रुपए के 3x नोट की कुल कीमत कितनी होगी, नोटों की संख्या 3x गुना एक नोट की कीमत प्लस 5x, नोटों की संख्या है 10 रुपए की नोटों की, तो उनकी कुल कीमत हो जाएगी 5x × 10 इज इक्वल टू, तो ऐसे बन गया आपका ये 4 लाख। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करिए और तो ये हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x,
is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So, in turn, what do you get from here? 200 plus 200, 400x. 400x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 4 lakh. Or from here, you get x is equal to 4 lakh divided by 400. So, what do we get from here? आपको यहाँ से क्या मिला 1000 है ना। तो x इक्वल टू 1000 आप कहेंगे नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 2x था ना, तो 2 इंटू 1000 2000 सौ रुपए के नोट थे। नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, रुपीज 50 नोट्स कितने 3x थे, तो 3 इंटू 1000 तो 3000 नोट्स 50 रुपए की। नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, रुपीज 10 नोट्स 5x दिखा था वहां पे, 5 इंटू 1000 तो 5000। देखिए आप 5000, 10 के 5000 नोट की कीमत 50000 है ना, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2000 नोट की कीमत 2 लाख हो गई और ये 1.5 लाख रुपए की कीमत 3000 नोट की हो गई, तो टोटल 4 लाख रुपए कैश हो गया आपके पास, ठीक है ना। इस तरह से अब आती है बात अगले क्वेश्चन की। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब है क्वेश्चन, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज और उन 300 रुपीज में से मेरे पास 1 रुपी के कॉइन है, 2 रुपी के कॉइन है और 5 रुपीज के कॉइन है। तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज, जो 2 रुपए के कॉइन है वो 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स मोर देन द रुपीज 5 कॉइन। टोटल कॉइन जो है तो 60 है, तो प्रत्येक कॉइन के कितने सिक्के हैं ये बताना है आपको। आप देखिए, मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन इज एक्स, मान लीजिए एक्स है, तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइंस क्या हो जाएंगे फिर मेरे पास, नंबर ऑफ 2 कॉइंस 3x हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइंस कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस दिया है 160, इसलिए आप क्या कहेंगे नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन आप बता सकते हैं, 1 कॉइंस। टोटल 160 सिक्कों में से आप बता दीजिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और की 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो गुणा के क्या आया नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन आपके पास 160 माइनस 4x आया, 160 माइनस 4x। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना दिया था रुपीज 300। अब आप ऐसे ही करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको आप, 5 रुपए के कॉइन की संख्या x है, उसमें एक कॉइन की कीमत का गुणा कर दिया, 2 रुपए के कॉइन 3x है, उसमें नंबर ऑफ और डिनोमिनेशन ऑफ 1 कॉइन मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस 160 माइनस 4x कॉइन है 1 रुपए के, उनकी कीमत क्या हो जाएगी, उनमें 1 का गुणा कर दीजिए, ये टोटल 300 रुपीज हो जाता है।
किया, कॉइन की संख्या गुणा एक कॉइन की कीमत, तो 5 रुपए के एक्स कॉइन की कीमत होगी 5x, और 2 रुपए के 3x सिक्कों की कुल कीमत होगी 6x, प्लस 160 माइनस 4x इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ,